शुक्रवार शाम को शहर के मेमन जमात खाना में भव्य सत्कार समारोह संपन्न हुआ। मेमन जमात की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में सैयद सिराजुद्दीन आका साहब और बाबा जान और सैयद बदरुद्दीन आका साहब और बाबा जान के हाथों मान्यवरों को सम्मानित किया गया। बाबा जान का आगमन होते ही आयोजकों ने बाबा जान को लड्डुओं में तोला गया। मंच पर विराजित होने के बाद मेमन जमात के अध्यक्ष हाजी हारून इंसानी ने बाबा जान का गर्मजोशी से सत्कार कर कार्यक्रम में पहुंचने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। इस दौरान कार्यक्रम में शामिल स्थानीय नेता, प्रमुख अतिथियों सहित पत्रकारों और मेमन जमात के होनहार छात्र छात्राओं को बाबा जान के हाथों सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में पहुंचे प्रमुख अतिथियों सहित दर्शकों के लिए खाने का इंतजाम मेमन जमात की ओर से किया गया था। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम में सांसद संजय देशमुख, पालक मंत्री संजय राठौड़ सहित पूर्व गृह राज्य मंत्री मानिक राव ठाकरे आदि आमंत्रित थे, लेकिन विभिन्न कारणों से वे इस कार्यक्रम में नहीं पहुंच सके। वहीं दूसरी तरफ इस भव्य सत्कार समारोह के आयोजन पर आलोचकों द्वारा इसे ऐन वक्त पर राजनीतिक कार्यक्रम में तब्दील किए जाने के आरोपों को आयोजकों ने नकार दिया और कार्यक्रम आयोजन के उद्देश्य के बारे में जानकारी दी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हाजी हारून ईसानी, मेमन जमात प्रेसिडेंट डिग्रस। आज का जो ये बाबा आगा साहब तराले वाले बाबा साहब का जो प्रोग्राम है, ये एक सामाजिक सार्वजनिक प्रोग्राम है, कोई राजकीय प्रोग्राम नहीं है और सर्वपक्षीय प्रोग्राम है। और यहाँ पर जो है हमारे बाबा जान सबको दुआ देने के लिए आए हुए हैं और ये पूरा प्रोग्राम बाबा जान के हाथ से इस्तकबाल होगा। मंत्री, आमदार, खासदार, नगर सेवक, मानवीय हस्ती जितनी हमारी समाज की है, उसके बाद में हमारे समाज में जो लिखे पढ़े हुए बच्चे हैं, डॉक्टर बन रहे, इंजीनियर बन रहे, होनार बच्चे हैं, उन लोगों का भी इस्तकबाल बाबा जान के हाथ से होगा। इसको कोई राजकीय स्वरूप दिया नहीं जाएगा और राजकीय स्वरूप है ही नहीं और राजकारण का कोई विषय है ही नहीं इसमें। इतना बोल के मैं मेरे दो शब्द खत्म करता हूँ। एनबीसी न्यूज़ के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।